वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो डियर स्टूडेंट अब आपके एग्जाम्स बहुत क्लोज आ चुके हैं जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि इकतीस दिसंबर को ये नवंबर का महीना आपका एंड हो चुका है ट्वेंटी थ्री इज और ये लगभग लगभग एंड पे आ चुका है और आपके पास में तीस दिन आपके पास में दिसंबर के ही मात्र बचे हुए हैं और आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसपे कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे पॉइंट पॉइंट कुछ बनाकर आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे बी एस एक अलग सब्जेक्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है आपका तो सबसे ज्यादा बैक इसी गलत फैमी की वजह से बच्चे लेकर के बैठते हैं कितना भी पेपर है वो पूरा का पूरा वो हंड्रेड पेपर भी करके आते हैं ना तो एग्जाम में कहते हैं कि ये क्या हुआ मैं फेल हो गया बैक आ गई है वो रीचेकिंग रिचेकिंग डालते हैं रीचेकिंग में वो फेल ही है भैया आपका पेपर अटेम्प्ट कर लेना ही आपका पास नहीं होता है सही से अटेप करने से पास होते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर ये गलती करेंगे बिना नॉलेज के आप कुछ भी उसमें अगर आप उसको डेवलप करने के आंसर लिखने में कोशिश करेंगे सब अननेसेसरी जाता है आपके पास में डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए आपका टेबल बिल्कुल सही होना चाहिए और आप टू द पॉइंट वहाँ पे बात कर रहे हैं इतना कंटेंट की जरूरत नहीं है लिखने की आप इतना से भी लिखेंगे एक्यूरेट लिखेंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिलता है और आप सोचते हैं बहुत लेंथी लिख देने से और टू द पॉइंट नहीं लिखने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मार्क्स अच्छे के वो पास होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो अब आपके पास में एक महीना है कैसे सिलेबस कवर होगा क्योंकि आपको तो दो लास्ट के चार पांच दिन को आप सोचेंगे पढ़ लें और पास हो जाएंगे कुछ ऊपर ऊपर पढ़ लें कुछ स्कूल जैसा है वैसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही आप सरप्राइज मिलेंगे एग्जाम में तीस दिन है अभी पढ़ लीजिए लगभग लगभग आपको साठ से पैंसठ वीडियोस के आसपास है डेढ़ घंटा आपका एक वीडियो फोर्टी मिनट्स का है ना एवरेज टाइमिंग है एक वीडियो का तो आप लगभग लगभग आप एक दिन में दो वीडियो कवर करते हैं तो आपका डेढ़ घंटा आपका कंज्यूम होगा वन की स्पीड से आप उसको आप देख सकते हैं डेढ़ घंटा देखिए डेढ़ घंटा देखने के बाद आप ये नहीं कि आप उसके जो आंसर है जो कि मैंने करवाया जो कि पी भी आपको अवेलेबल है कंटेंट में कोर्सेज में तो उसको पढ़ वीडियो देखने से ही बात नहीं बनेगी क्योंकि एक क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनर के पास में आप अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पर आपका लिखा हुआ जो पेपर होगा वो होगा तो आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ये चीज़ें भी सीखना है इसके लिए बच्चे क्या करते हैं याद करते हैं रट्टा मार मैं रट्टा मारने के भी बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो क्योंकि आप चलिए दो चार पांच दस सवाल होता तो भी मैं आपको बोलता रट्टा मार लो पर खैर मानना चाहिए नहीं लेकिन जब आपके पास में सिलेबस है कि इसकी वीडियो ही के आसपास बन चुकी है कितना आप रट्टा मार लोगे कितने रट्टा मारे कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे नहीं आपने अगर किसी एक टॉपिक आपने वीडियो देखी है उसकी आपको नॉलेज मिली है तो आप ये सीखो कि उस नॉलेज को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं वो सीखने के लिए आपके पास में नोट्स से आप आइडिया लो बुक से आप अपने आइडियाज लो टेन ईयर से आइडिया ले लो उस क्वेश्चन से रिलेटेड रीडिंग ले लो इसने कैसे इसने पहले डायग्राम बना दिया टेबल बना दिया पॉइंट को लिख दिया पॉइंट में किन बातों को इंपॉर्टेंस दी है कौन सी चीज़ें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है किस टाइप के एग्जाम्पल को यूज़ कर रहा है वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करो उसको देखो देखने के बाद आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करो उस आंसर को तो अगर आपने लबल लगभग लब लब उसके आसपास भी क्रिएट कर दिया तो आपका बिल्कुल सही जाने वाला है पेपर और इस तरीके से डेली बेसिस पर आपको अपना डेढ़ घंटा वीडियो में देना पड़ेगा और एक घंटा आपको अपनी राइटिंग पे देना पड़ेगा और इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके तीस थर्टी डेज के अंदर आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा तो पूरा के पूरा सिलेबस कवर होने के साथ साथ आपका टेन ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है मैं आपको एडवाइस करता हूं कि लास्ट देखिए मैंने अपने में ईयर का सारा जो मैंने अपनी वीडियो पूरा टेन ईयर कवर करा हुआ है लास्ट के पांच साल के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा फिर भी मैं यूनिट वाइज असाइन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे हाँ ये एक बड़ा सवाल है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके जो कंटेंट में लगा दूंगा उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा प्लस में मैं आपका यूनिट वाइज जो है असाइनमेंट भी दे दूंगा पिछले पाँच साल के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं तो आप वो पाँच साल के क्वेश्चन भी देख लेना उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और मैं यही कहता हूँ आपको कि अगर लास्ट के पाँच साल का क्वेश्चन का मतलब पाँच सवाल नहीं है या एक साल में

वो तीन पेपर का एनालाइज़ करने भी आपके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे आपके पास में तीन में भी आप पेपर अगर आप करते हैं तो आपके पास पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पचहत्तर क्वेश्चन ये बन जाते हैं पाँच में तो काफ़ी ज़्यादा पच्चीस के हिसाब से आपके पास में आप लगा लीजिए पाँच क्वेश्चन और दस और दो पार्ट मान लीजिए बीस क्वेश्चन सौ क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप पाँच पेपर एनालाइज करते हो तो तीन भी एनालाइज कर लेते तो पचहत्तर के आसपास आप क्वेश्चन भी कर लेते तो बेटर रहता है तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई गई है। हैं कंटेंट में है सब चीजें अच्छे से लॉजिक के के साथ में, के साथ में में बताया गया है आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ सुन लोगे तभी आपको मेमोराइज हो जाएंगे तभी चीज आपको याद हो जाएंगी तो ये सिक्सटी वीडियो को आप कुछ इस तरीके से कवर करें और इस तरीके से अपने मेटेरियल को तैयार करें और सोर्सिस क्या रहेगा आपका जो मेरे नोट्स हैं वो सोर्सिस हैं आपका पहला दूसरा उसके बाद आप शिव का टेन ईयर फॉलो कर लीजिए तीसरा आप रहने दीजिए तीस दिन का समय इसमें आपका फुल स्कोर हो जाएगा अगर आपने ये दो चीजें कर ली तो ठीक है बच्चों तो ये आपके पास में थर्टी डेज माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लान था इस पर आप काम कीजिएगा इन वीडियोस पे काम कीजिएगा और इस तरीके से अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए ना कि उसको लर्न कीजिए थैंक यू जी थैंक यू सो मच